हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं प्लांट किंगडम के फाइलम एंजियोस्पर्म के सेकंड पार्ट को। इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की प्रोसेस। यहाँ स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। गाइनोसियम मतलब जायांग रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को। गाइनोशियम में एक पिस्टिल यदि एक स्त्री का केसर है उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, एक से अधिक है तो बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। ठीक है, मल्टीकार्पलरी दो टाइप्स में पाया जाता है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब युक्तांड पे यदि स्त्री केसर या पिस्टिल एक साथ संगलित हैं या कनेक्टेड हैं आपस में उसको बोलते हैं सिनकार्पस। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एपोकार्पस जिसमें सभी स्त्री केसर एक साथ नहीं है, स्वतंत्र है, फ्रीली कनेक्टेड हैं, तो वो कंडीशन है एपोकार्पस। एग्जाम्पल होते हैं लोटस एंड रोज। पिस्टिल या स्त्री केसर की संरचना होती है, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है वो लैंडिक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, ये अपन लास्ट वीडियो में पढ़े थे। स्टाइल जो एक लंबा पार्ट होता है वो स्टाइल। ओवरी जो फूला हुआ भाग होता है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी कॉल्ड ऑल्सो लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्लेजेंटा या अपरा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्लेजेंटा से मेगा स्पोरेंजिया का निर्माण होता है जिसको ओव्यूल या फिर बीजांड कहा जाता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा कॉल्ड ओव्यूल। तो मेगा स्पोरेंजिया या बीजांड का निर्माण प्लेजेंटा से ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो नंबर है ओव्यूल्स के वो एक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है वीट, पैडी, मैंगो, गेहूँ, धान, आम, और एक से ज़्यादा हो सकते हैं पपाया और किड्स। जिनमें एक से ज़्यादा बीज हैं उनमें एक से ज़्यादा बीजांड पाए जाते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक बीजांड या ओव्यूल की संरचना जिसमें ये पार्ट होते हैं, ये सभी पार्ट और उनकी संरचना या वो कहाँ पाए जाते हैं, किस पार्ट का क्या, कौन सा पार्ट किस पार्ट से कनेक्टेड है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो ओव्यूल है या बीजांड है वो एक छोटी सी संरचना होती है जो कि एक वृंत या डंठल के द्वारा, जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। यहाँ अपन पहले पढ़े क्या कि ओव्यूल या बीजांड की संरचना या निर्माण किससे हो रहा है, प्लेजेंटा से ही हो रहा है। तो ये पूरा बीजांड प्लेजेंटा से किसके द्वारा जुड़ा है, फ्यूनिकल के द्वारा, वृंत के द्वारा। इस वृंत के द्वारा वो अपरा से या प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड की पूरी बॉडी और बीजांड वृंत, अपन अभी क्या देखें कि बीजांड और प्लेजेंटा के बीच क्या है, फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल और बीजांड के बीच क्या है, ये फ्यूनिकल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक आया है ये फ्यूनिकल, और इस बीजांड के बीच जो ये कनेक्टिव पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम या फिर नाभिका। ठीक है, बीजांड वृंत के साथ बीजांड मतलब फ्यूनिकल के साथ बीजांड हाइलम नामक क्षेत्र में संगलित होता है। मतलब ये कि जो हाइलम है वो बीजांड और बीजांड वृंत के संधि बिंदु, बीजांड और बीजांड वृंत के संधि बिंदु का कार्य करती है या प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन 2014, 15 या 16 तीनों में से किसी एक में ये पूरी लाइन आई है कि संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है कौन। ठीक है, तो चेक कर लेना। प्रत्येक बीजांड में एक या एक से अधिक क्या इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, संरक्षक आवरण। ठीक है, ये पूरे बीजांड को घेरे रहते हैं, सिर्फ इस एक रंध्र को छोड़कर। इस रंध्र को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस की जो सेल्स होती है उसमें प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है, न्यूट्रिएंट पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट सेल पाई जाती हैं। जो न्यूसेलस है वो भ्रूण कोश या मादा युग्मक उद्भिद बीजांड काय में स्थित होते हैं। ठीक है, एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है, मतलब ये पूरे बीजांड में सिर्फ एक ही भ्रूण कोश है जो न्यूनकारी विभाजन मतलब मियोसिस के द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। ये जो पार्ट है एम्ब्रियो सैक का वो किससे निर्मित होता है, गुरु बीजाणु से। बाकी
मतलब सिर्फ इसी में ही क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये जो सभी पार्ट हैं, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, सेलेजल पॉइंट और एम्ब्रियो सेल, इनके स्थिति मतलब इस बीजाणु में ये कहाँ पाए जाते हैं और किससे कनेक्टेड रहते हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से मेगा स्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बीजाणु प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से न्यूसेलस के बीजाणु द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं या अलग होते हैं। ये अपन पहले डायग्राम में देखे कि जो बीजाणु है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, मेगास्पोर मदर सेल से, उसके माइक्रोपाइलर क्षेत्र में ही उससे अलग रहते हैं, बाकी पूरे से वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, डायग्राम इसलिए अच्छे से पढ़ के देख के समझ के याद रखना। जो MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल है वो एक बड़ी सेल होती है जो कि लार्ज सेल होती है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, और क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और चार अर्धसूत्री में एक से चार सेल बनती है, तो चार मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसमें वन इज फंक्शनल जिससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है भ्रूणकोश का, अदर थ्री जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यदि एक अकेले मेगा स्पोर से भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है तो इसको मोनोस्पोरिक विकास या एक बीजाणु विकास कहा जाता है। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है उससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक विकास। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस होता है। डायग्राम से अपन देखते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, दो न्यूक्लियस बने एक ही सेल में, फिर से माइटोसिस हुआ, मतलब तीन माइटोसिस होते हैं और एक मियोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस हुआ, फिर माइटोसिस हुआ, दो दो से चार, एक से दो होते हैं माइटोसिस में, दो से चार, चार से आठ, यहाँ तक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फ्री न्यूक्लियर क्यों बोले, क्योंकि जब तक आठ सेल का निर्माण नहीं होता तब तक इसमें इस एम्ब्रियो सैक के सेल में, एम्ब्रियो सैक में सेल वॉल की नींव नहीं होती। इसलिए ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, आ चुका है, बहुत पहले का क्वेश्चन है कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो एम्ब्रियो सैक का पार्ट है, वो भी कब, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, ये ऑप्शन में था, ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि जनरली मतलब प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एट सेल तक बनते तक उसमें सेल वॉल का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जब ये इनमें विभाजन खत्म हो जाता है और प्लेसमेंट शुरू होती है, तो छः सेल में सेल वॉल का निर्माण होता है, छः सेल ऊपर चली जाती है, छः सेल माइक्रोपाइलर में और छः सेल चैलेजल पॉइंट में आ जाती हैं। जो माइक्रोपाइलर में जो सेल्स जाती हैं, दो होती है सिनर्जिट सेल जिसको बोलते हैं हेल्पर सेल्स, एक होती है उसमें एग सेल, जो चैलेजल पॉइंट में होती है तीनों वो होती है एंटीपोडल सेल्स, और जो दो सेल्स होती हैं इन छः सेल्स में सेल वॉल का निर्माण होता है, इन दो सेल्स में सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, जो कि पोलर या सेंट्रल सेल में आ जाती हैं, इन न्यूक्लियाई को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ये पलट दिया गया। ठीक है, चैलेजल ऊपर, माइक्रोपाइलर नीचे, चैलेजल पॉइंट, चैलेजल एंड में एंटीपोडल सेल्स होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, एक एग सेल होती है, दो सिनर्जिट सेल जिसको हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, उसमें स्थूलन पाया जाता है जो फिलीफॉर्म एपरेटस का निर्माण करता है। ये क्या करती है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब, जब सिनर्जिट सेल से ही पोलन ट्यूब, मतलब से ही नहीं बोलना चाहिए, पोलन ट्यूब कई जगह से इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, लेकिन जनरली क्या होता है कि वो हेल्पर सेल से ही इंटर करती है, तो जब वो इंटर करती है तो उसको दिशा दिखाने का कार्य कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है ये काम। ठीक है, मेगास्पोर से टू न्यूक्लियाई बना, टू न्यूक्लियाई से फोर न्यूक्लियाई,
फोर से एट। माइक्रोपिलर एंड में टू हेल्पर सेल्स होती हैं, एक एक्सेल होता है। सेलेजल एंड में क्या होता है, थ्री एंटीपोडल सेल्स होती हैं। सेलेजल एंड में थ्री एंटीपोडल सेल्स होती हैं। लार्ज सेंट्रल सेल, जो बीच वाली सेल है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब मैच्योर टिपिकल एंजियोस्पर्म। जो एक मैच्योर टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसमें एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएट। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये पूरी सेल सात, मतलब सेवन सेल और एट न्यूक्लियस। बीच वाली सेल में आठ दो न्यूक्लियस हैं। तो जो एक मैच्योर टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, सेवन सेल और एट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अपन पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के। ठीक है, कि स्टार्ट करते हैं एंथर। पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं एंथर से निर्माण होता है पोलन ग्रेन का। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन सबसे पहले जाती है किसमें, स्टिग्मा में जाती है ये। स्टिग्मा में पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर अपन देखे थे कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपन पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पढ़े हैं वो तब वहाँ देख चुके हैं कि टिपिकल जो 60% एंजियोस्पर्म है वहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। ये स्टिग्मा में पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, दो गैमेट्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक ओवरी में पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक में ये हेल्पर सेल्स के द्वारा अंदर घुसती है, दो गैमेट्स हैं। यहाँ पे जो एक्स सेल है, एक गैमेट उस एक्स सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है या संगलित होता है, और एक गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मतलब इनके साथ संगलित होता है। ठीक है, तो ये टू एन थे ये। अब यहाँ पे जो डिवीजन हुआ, सॉरी इनका जो आपस में मेल हुआ उससे थ्री एन स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे एग सेल के साथ जो गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ उससे टू एन स्ट्रक्चर बना। ठीक है, जो टू एन स्ट्रक्चर है उससे जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट से एम्ब्रियो, और जो थ्री एन स्ट्रक्चर है उससे एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो उसकी सूत्रगुणिता कितनी होती है, मतलब हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है वो, तो ट्रिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर से स्पोरोफाइटिक प्लांट का निर्माण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो एन पार्ट है, माइक्रोस्पोर से लेके यहाँ तक की सबकी प्रत्येक की सूत्रगुणिता जो है वो हैप्लॉइड होती है। उसके बाद टू एन पार्ट मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गया, स्टिग्मा से स्टिग्मा में पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, पोलन ग्रेन से स्टिग्मा में पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स। ठीक है, पोलन ट्यूब हेल्पर सेल्स में, हेल्पर सेल में इंटर की, वहाँ पे एक जो गैमेट है वो एक्स सेल के साथ और एक गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ। इसी प्रोसेस को, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है इसी कारण इसको डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्स सेल के साथ जो हुआ उसमें बना टू एन जायगोट, और जो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ हुआ उससे बना थ्री एन पी ई एन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ पे सिनगैमी हुई। इस दोनों से क्या बना, टू एन से बना जायगोट, जायगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, और जो पी ई एन है थ्री एन, ट्रिपल फ्यूजन हुआ उस इन दोनों में, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पी ई एन का निर्माण हुआ, पी ई सी मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिससे एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। ठीक है,
एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है 3N और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है 2N, मतलब डिप्लॉइड। यहाँ पर एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल समाप्त हुआ। इसके बाद वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।